हेलो फ्रेंड्स, विमल कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ जन्माष्टमी स्पेशल भोग। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गैस ऑन करके रख दी है कढ़ाई, डालेंगे घी। डाल दिया बादाम, निकाल लेते हैं बादाम को। अब डालते हैं काजू, निकाल लेते हैं इसे भी। अब मखानों को रोस्ट करते हैं। डालेंगे साबुत धनिया, इसे कर लेते हैं रोस्ट। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए पहले धनिया को हमें रोस्ट करना पड़ेगा। अब धनिया को ट्रांसफर कर लेते हैं, धनिया भून चुका हमारा। अब इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। ठंडा करके धनिया हमारा पीस लिया है मिक्सी में। डालते हैं घी कढ़ाई में, बादाम, काजू, खरबूजे के बीज, छुआड़े, किशमिश, इनको थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए मिलाएंगे। गैस कर दिया है बंद, ड्राई फ्रूट हमारे भुन गए हैं। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर जो बनाया हुआ था, और इन सबको मिक्स करेंगे। भुने हुए मखाने इसमें डालेंगे, बूरा, धनिया की पंजीरी हो गई हमारी रेडी। इसे ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे बर्तन में। धनिया की पंजीरी हो गई है रेडी। अब बनाते हैं आटे की पंजीरी। गैस पे रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में डालते हैं घी। यह है गेहूं का आटा, इसे मीडियम आंच पे भूनेंगे। आटे की पंजीरी को कसार भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसे लगातार कंटिन्यू भूनते रहेंगे। इसे तब तक भूनना जब तक आटा हमारा ब्राउन ना हो जाए। इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज, काजू, बादाम, किशमिश,
छुआड़े, कटा हुआ गोला, अब इनको भूनेंगे। ये ड्राई फ्रूट इसी पंजीरी में भुनना स्टार्ट हो रहे हैं, चट चट की आवाज आ रही है। गैस कर देंगे बंद, इसमें डालेंगे भुने हुए मखाने, इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार वही बूरा, मिक्स कर देंगे। इसे ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बर्तन में मिक्स करके। आटे की पंजीरी रेडी हो गई, गैस ऑन करके रखते हैं कढ़ाई, डालते हैं घी, ये डालते हैं थोड़ा थोड़ा गोंद, गोंद को धीमी आंच पे घी में फ्राई करना है। इसे निकाल लेते हैं। बादाम रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, काजू, किशमिश, खरबूजे के बीज, इसे ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। मैंने गोले को ब्राउन पार्ट अलग करके इसे घिस लिया था। इसको इसी घी में फ्राई करेंगे। इसमें छुआड़े डालने भूल गई थी, छुआड़े डाल देते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाला है, इसे भी रोस्ट कर लेंगे इसी घी में। नारियल भी भुन चुका है, गैस करते हैं बंद। इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। अब गोंद को क्रश कर लेते हैं, गोंद को हाथ से क्रश करेंगे ऐसे, या खलबट्टे में डाल के कूट सकते हैं। नारियल पाक बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, चीनी, चीनी डबल जाएगी। लगभग चाशनी हमारी रेडी होने वाली है, इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट। गोंद, फ्राई किया हुआ मखाने भुने हुए क्रश करके,
मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, ऐसे पकाएंगे। पॉपी सीड्स, खसखस यानी, इसे भी डाल देते हैं। थोड़े से पिस्ते, इसे पका लेते हैं अच्छी तरह से। इसे पकाते रहेंगे और सारी चाशनी सूख जाएगी, और तब तक ट्रे में घी लगा लेते हैं। आप इसे मिक्स पाक या मेवा पाक कह सकते हैं। अब इसे ट्रांसफर कर लेते हैं ट्रे में। इसे फटाफट फैला देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। नारियल पाक हमारा ठंडा हो गया है और इसे मैंने गर्म में ही कट लगा दिए थे ऐसे ऐसे करके। नारियल पाक हमारा हो गया है बनके रेडी। गैस ऑन करके पतीले में ले लिया है दूध। दूध को एक बॉईल तक उबालना है। मखाने की खीर, दूध को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, दूध में उबाल आना शुरू हो रहा है। दूध में उबाल आ चुका है, इसमें डालेंगे मखाने जो हमने पहले भून लिए थे। इसमें और बाकी ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू, बादाम, कटा हुआ नारियल, छुआरे, पिस्ता, इन सबको पकाएंगे। इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, चीनी, लगभग हमारी खीर बन चुकी है मखाने की। गैस करते हैं बंद, मखानों की खीर हो गई हमारी रेडी। अब हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए चाहिए दूध कच्चा, दही, बूरा, ढाई चम्मच, इसको घोलेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें जाएगा शहद, दो चम्मच,
इसमें जाएगा देसी घी 1 चम्मच, मिक्स करते हैं अच्छे से। पंचामृत हमारा हो गया तैयार, इसमें डाल लेंगे तुलसी के पत्ते, पंचामृत हमारा हो गया तैयार। जन्माष्टमी का भोग हो गया है तैयार। ये है नारियल पाक, ये धनिया की पंजीरी, ये है खीर मखाने की, ये है आटे की पंजीरी, और ये है चरणामृत, केला, खीरा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी।